going from where? From boron to neon, the gap between S and P increases. Why increases? Because the number of electron increasing in P subshell, and P subshell and S subshell repel each other. And when they repel each other, they have a large gap. अब ज़रा पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसका एनर्जी ऑर्डर कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल किस तरह से वो अरेंज होते हैं, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, किसकी एनर्जी कम होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स की एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, उसके लिए मैं आप लोगों को आज दूंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। भैया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, दिस इज़ द जनरल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये बिल्कुल जनरल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ना ये नाइट्रोजन की है ना ये ऑक्सीजन की, एक जनरल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, सही है। और ये जो मैंने जनरल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया हुआ, याद रखिए ये हमारे सिलेबस के मुताबिक या FSC लेवल पर हम बना रहे होते हैं दो तरह की कंपाउंड्स के लिए या दो तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए। एक तो ये क्या हो, ये जो मैंने बनाई हुई है इट्स फॉर होमो डाई एटॉमिक, एक तो ये होमो डाई एटॉमिक के लिए है, एटम्स होमो होने चाहिए और दो होने चाहिए, डाई एटॉमिक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनके मालिक जो एटॉमिक नंबर, हम एटॉमिक नंबर की बात करें फ्रॉम वेयर, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 एटम्स टू एटॉमिक नंबर 10 एटम्स, एटॉमिक नंबर 1 एटम टू एटॉमिक नंबर 10 एटम्स, एटॉमिक नंबर 1 एटम टू एटॉमिक नंबर 10 एटम्स की हम बात करेंगे। मतलब वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजनों पर हम अप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन से लेकर हमारे सिलेबस में हम कहाँ तक जाएंगे, वी विल गो टूवर्ड द नियॉन, सही है। अच्छा हीलियम और नियॉन की तरफ जाएंगे। अब ये एक जनरल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, तवज्जो फरमाइए, बहुत जरूरी सेंटेंसेस होंगे यहाँ पे, बहुत ही जरूरी पॉइंट्स होंगे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर इंशाल्लाह, तवज्जो फरमाइए। जो भी दो एटम आएंगे, वी डोंट नो कौन से एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, हीलियम हीलियम है, कौन है, ठीक है जी, बट उनकी तरतीब ये होगी। आप लोगों ने जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में आप पहले ड्रॉ करेंगे एनर्जी लेवल, एनर्जी को आप लोग ड्रा कर लेंगे। जब आप लोगों ने एनर्जी को ड्रा किया, उस एनर्जी के पैरेलल आप क्या करेंगे, आप तीन कॉलम्स बना लेंगे, सीधे लाइन वाले तीन कॉलम्स फॉर गुड रिप्रेजेंटेशन। अगर आप लोगों ने पेपर में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप लोगों ने यू लिखना होगा, डॉट्स डाल दी, फिर यहाँ से डॉट्स डाल दी, दरमियान वाला स्पेस थोड़ा सा बड़ा हो, विड़ती हो, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑर्बिटल डालने होते हैं, बनाने होते हैं, सही है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर इस साइड पर हम लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दूसरे साइड पर भी हम लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, जो भी एटम्स आ रही हैं, एक एटम यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे ऑर्बिटल और दूसरे एटम के ऑर्बिटल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ओके है। अच्छा दरमियान में हमारे पास होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दीज आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। और ये तो आप लोगों को पता है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे दो मॉलिक्यूलर बनेंगे, चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे
चार मॉलिक्यूलर बनेंगे, 10 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, 10 एटॉमिक, तो कितने बनेंगी? 10 मॉलिक्यूलर बनेंगी, कितनी बनेगी? 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। ओके भैया, ध्यान दीजिएगा। अब कोई भी दो एटम आ रही हैं, पहले एटम का ऐसा आ रही है, दूसरे एटम की ऐसा आ रही है, ये ओवरलैपिंग करें, हमें पता है कि एस एस की ओवरलैपिंग क्या बनाती है? सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाती है? सिग्मा। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल आ रही है? दो। कितने मॉलिक्यूलर बनेंगी? दो। एक बॉन्डिंग, नीचे वाला हमेशा बॉन्डिंग, ऊपर वाली एंटी बॉन्डिंग, नीचे वाली लोअर एनर्जी वाली बॉन्डिंग और ऊपर वाली एंटी बॉन्डिंग। तो एस ऑर्बिटल आया, एस ऑर्बिटल के साथ हमेशा क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। तो हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड सिग्मा। दिस वन इज व्हाट? सिग्मा वन एस, एंड दिस वन इज कॉल्ड सिग्मा स्टार वन एस। ये इन दो एस एस ऑर्बिटल की क्या हो गई? ओवरलैपिंग हो गई। तो उसका एक बना सिग्मा वन एस वन एस, और ऊपर बन गई सिग्मा स्टार वन एस वन एस। सही है। सिग्मा स्टार शोज एंटीबॉन्डिंग वाइल सिग्मा शोज बॉन्डिंग। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस आप जा सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में आप चेक कर सकते हैं कि हम सिग्मा बॉन्डिंग को सिग्मा और पाई से डिनोट करते थे, और एंटी बॉन्डिंग को हम सिग्मा स्टार और पाई स्टार से शो करते थे। क्लियर है भैया? अच्छा, फिर इसके बाद अगर उन एटमों के पास 2s 2s आ रही है, तो 2s उस एटम की यहां से आएगी, दूसरे एटम की 2s वहां से आएगी। 2s 2s आ रही है, SS है, SS आपस में कौन सी ओवरलैपिंग करती है? सिग्मा बॉन्ड बनाती है। क्या बनाती है? सिग्मा बॉन्ड। तो हम बोलेंगे यहां पर क्या आ रही है? ये आ रही सिग्मा 2s, और ये क्या आ रही भैया? ये आ रही सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद हमारे पास कौन आ रही? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एक एटम से। दूसरे से आ रही पी एक्स, पी वाई, पी जेड, दूसरे एटम से। गौर कीजिए इस पॉइंट को, अब देखिए, अब यहां पर एनर्जी का फर्क आ रहा है। कुछ मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ की है, और बाकी जो चार है मैंने क्या की हुई है उसको मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, क्योंकि इनकी एनर्जी में फर्क है। ये एनर्जी में नीचे है, और ये एनर्जी में क्या है? ऊपर है। देखिए भैया, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ रही हैं? छह। तो कितनी मॉलिक्यूलर बनेंगी? छह। उनमें से आधे बॉन्डिंग, आधे एंटी बॉन्डिंग, तो तीन हो गई बॉन्डिंग, तीन हो गई एंटी बॉन्डिंग। मगर अब इन बॉन्डिंग में और इन एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा? फर्क होगा। बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग में भी दो तरह की बॉन्डिंग है, एक बना रही सिग्मा और दो बना रही पाई, एक बना रही सिग्मा, दो बना रही क्या? पाई। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास जो आ रही है, लेट सपोज पी एक्स और पी एक्स आ रही है हेड टू हेड, सपोज कर रहे पी एक्स क्या आ रही है? हेड टू हेड आ रही है। पी एक्स पी एक्स क्या आ रही है? हेड टू हेड आ रही है। तो कौन सी ओवरलैपिंग कर रही है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रही है, सिग्मा बॉन्ड बना रही है। तो जाहिर सी बात है, जब एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, अब पी वाई और पी जेड क्या बनाएगी? पाई बॉन्ड बनाएगी। पी वाई और पी जेड क्या बनाएगी? पाई बॉन्ड बनाएगी। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग के एनर्जी में या ओवरलैपिंग में क्या होगा? फर्क होगा। और मैंने आप लोगों को बोला हुआ था, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग है पीएक्स पीएक्स के बीच, वो क्या हो रही है? उतनी ज्यादा क्या हो रही? स्टेबल हो रही। और हां, जितनी ज्यादा कोई ऑर्बिटल, याद रखिए स्टेबिलिटी का उसके वो है चांस है, तो ऑटोमेटिकली उतनी ही वो क्या होगा? अनस्टेबल भी होगा। जितने ऑर्बिटल्स क्या हो रही? स्टेबलाइज हो रही है, उतनी वो क्या हो रही है? अनस्टेबल हो रही है। तो ये सबसे नीचे आ रही है, इन तीनों में से, और इन तीनों में से सबसे नीचे कौन आ रही? पीएक्स आ रही है। तो सबसे ऊपर भी कौन जा रही? पीएक्स जा रही है। अच्छा, पीएक्स पीएक्स कौन से बॉन्ड बना रही है? सिग्मा बॉन्ड। तो हम बोलेंगे सिग्मा टू पीएक्स। क्या बोलेंगे भैया? सिग्मा टू पीएक्स। तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसका नाम होगा सिग्मा स्टार टू पीएक्स, सिग्मा स्टार टू पीएक्स। ओके भैया, अच्छा।
अब यहां से आ रही है पीवाई के साथ और पीजेड के साथ, और हमें पता है कि पीवाई और पीजेड, पीवाई यहां से, पीवाई यहां से, पीजेड यहां से, पीजेड यहां से, ये जब आ रही है तो इनकी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो साइड टू साइड है, और जाहिर सी बात है जितनी टू पीवाई की ओवरलैपिंग होगी उतनी ही ओवरलैपिंग पीजेड की होगी, सेम ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, जितना पी वाई ओवरलैप करेगा टू पी वाई उतना टू पीजेड क्या करेगा ओवरलैप करेगा, इससे मुराद है कि अब पी वाई और पीजेड की जो ओवरलैपिंग है वो क्या है, सेम है, तो इनकी स्टेबिलिटी और इनकी अनस्टेबिलिटी, इनकी बॉन्डिंग वाली और इनकी नॉन बॉन्डिंग वाली या एंटी बॉन्डिंग वाली आपके पास क्या आ रही है, हम कह सकते हैं एंटी बॉन्डिंग वाली या एंटी बॉन्डिंग वाली क्या होगी, जितनी एनर्जी से ये नीचे जा रहा है उतनी एनर्जी से क्या जाएगा ऊपर जाएगा, मगर हाँ कि सिग्मा वाले से कम स्टेबल है, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में पाई बॉन्ड कम स्टेबल होता है, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है तो वो नीचे आ रहा है, पाई बॉन्ड क्या हो रही है ऊपर है। अच्छा तो क्या आ रही है, दो ऑर्बिटल यहाँ से आ रही है, दो ऑर्बिटल यहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, चार आ रही हैं, तो जब चार एटॉमिक ऑर्बिटल आती है तो कितनी मॉलिक्यूलर बनती है, चार मॉलिक्यूलर बनेंगी, दो बनेंगी बॉन्डिंग, ध्यान दीजिए दो बनेंगी क्या, दो बन जाएगी बॉन्डिंग, तवज्जो फरमाइए, दो बन जाएगी क्या, दो बन जाएगी बॉन्डिंग, तो दो बन जाएगी, तो दो बन जाएगी नॉन बॉन्डिंग, दो बन जाएगी बॉन्डिंग, तो दो बन जाएगी एंटी बॉन्डिंग। अब इस वाले को हम नाम देंगे, दिस वन इज कॉल्ड पाई टू पी वाई एंड दिस वन इज कॉल्ड पाई टू पी जेड। अब इनके एंटी बॉन्डिंग क्या होंगे, पाई टू पी वाई का एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, पाई स्टार टू पी वाई, और इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, ये वाला वो क्या होगा, पाई टू पी जेड स्टार, स्टार मीन एंटी बॉन्डिंग, होगी बात क्लियर है भैया यहाँ तक। तो ये अपने के पास हो गई ओवरलैपिंग, और ये हो गई इनके बनने में, इनके नतीजे में बनने वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रही हैं उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है, आधे बॉन्डिंग आधे एंटी बॉन्डिंग। चले जी गिनते हैं, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रही है, पांच यहां से आ रही है, पांच उस एटम से आ रही है, तो कितनी बन रही है, दस बन रही है। अब दस में से ध्यान दीजिएगा, दस में से एक बॉन्डिंग, दो बॉन्डिंग, तीन चार पांच बॉन्डिंग, और पांच क्या आ रही है, एंटी बॉन्डिंग, वन टू थ्री फोर फाइव, तो पांच बन गई एंटी बॉन्डिंग और पांच बन गई बॉन्डिंग। यही हमने बोला हुआ था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे उतने मॉलिक्यूलर बनाएंगे, और उनमें से आधे बॉन्डिंग आधे एंटी बॉन्डिंग होगी। सही है भैया, ये जो मैंने डायग्राम बनाया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये होमो एटॉमिक के लिए है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, वो भी डाई एटॉमिक, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और साथ में एटॉमिक नंबर कहां से, एक से लेकर दस तक, मतलब एक से लेकर दस एटम का एटम यहाँ से आएंगे और एक से लेकर दस एटम्स तक यहाँ पर आएंगे। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो से लेकर कौन से इलेक्ट्रॉन तक, बीस इलेक्ट्रॉन तक, ये जो हमने बनाया हुआ ये वाला, ये सिर्फ बीस तक बनाया हुआ है कि बीस इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल को हम इस एनर्जी लेवल से ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो है नहीं, हायर मॉलिक्यूल हमारे सिलेबस में नहीं, हम कहाँ तक सिर्फ जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बीस इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल्स तक, जो कहां तक आती है, जो नियॉन के Ne2 तक, नियॉन 2 मॉलिक्यूल तक। सही है, अब ध्यान दीजिएगा भैया, अब ये जो मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हमने इलेक्ट्रॉन अब फिल करने हैं, और इलेक्ट्रॉन से हमें पता लगेगा पैरामैग्नेटिक का और डायमैग्नेटिक का। तो यहां से इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, लेट्स सपोज दो यहां से आ रहे हैं, लेट्स सपोज एक यहां से आ रहा है और एक यहां से आ रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन आती है बॉन्ड बन गई है, आप इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग कैसे करेंगे, हमने पढ़ा हुआ था अकॉर्डिंग टू अब प्रिंसिपल हंड रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो क्या हो जाएगा एक और दो, जब तक नीचे वाला फिल ना हो ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकती। सपोज कर इलेक्ट्रॉन बढ़ गई दो और दो, तो कितनी आ रही है चार इलेक्ट्रॉन,
तो कितनी आ जाएगी, दो मॉलिक्यूलर में और तीन और क्या आ गई, चार मॉलिक्यूलर में आ गई। हमने ये भी पढ़ा हुआ था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कितनी आ रही है, दो, कितनी आ गई, दो, तो चार मॉलिक्यूलर में आ गई, चार एटॉमिक में आ रही थी। अच्छा लेट्स सपोज यहाँ से क्या आ रही है, एटॉमिक ऑर्बिटल आ रही हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो कितनी आएंगी, दो यहाँ पे आ जाएंगी। अकॉर्डिंग टू आप प्रिंसिपल जब तक अंदर नीचे वाला सब शेल फिल ना हो आप ऊपर वाले ऑर्बिटल में नहीं जा सकते। लेट्स सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गई तो क्या आ गई, तीन, एक और दो, तीन, दो और एक। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल था तो उसमें क्या होगी, वो दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड व्हाट, दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक से मुराद ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या मौजूद हो, एक अनपेयर्ड मौजूद हो। तो इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से वो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। चले जी अगर अगला इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये यहां से बढ़ जाएगा। अच्छा अगर पी एक्स पी वाई पी जेड से आ रही है, सपोज करिए पी एक्स पी वाई पी जेड से आ रही है, पी एक्स पी वाई पी जेड से आ रही है, तो क्या हो जाएगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सही है। तो ये मॉलिक्यूल भी क्या है, ये मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, डायमैग्नेटिक है। क्यों, क्योंकि तमाम के तमाम मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हैं, तो ये डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। अच्छा अब अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, एक ज़्यादा हो जाए, एक आ जाए एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, नाउ दिस मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। वाई पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में क्या आ गई, अनपेयर्ड। अगर यहाँ से एक और इजाफी हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी अपने पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस रूल को हम बोलते हैं ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डिजेनरेट ऑर्बिटल से मुराद है जिनकी एनर्जी सेम हो, एनर्जी क्या हो, सेम हो। अब ये जो एनर्जी सेम आ रही है इनमें हम क्या करेंगे, इन पर हम उस अप्लाई करते हैं हंड्स रूल। कौन सा रूल, हंड्स रूल। हंड्स रूल के मुताबिक ये क्या हो जाएगी, ये भी वन और ये भी वन, आप पेयर नहीं कर सकते, इसको वन रखेंगे इसको भी वन रखेंगे, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, कौन सा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अच्छा अगर मजीद इलेक्ट्रॉन आ गई, सपोज यहाँ से आ गई और यहाँ से आ गई, तो कौन है, तो ये हो जाएगा आपके पास डायमैग्नेटिक फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ये फिर फ्लोरीन मॉलिक्यूल है। और लेट्स सपोज अगर यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ गई और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ गई, तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स व्हाट, नियॉन मॉलिक्यूल। तो ये क्या बन गई, ये नियॉन मॉलिक्यूल बन गई, Ne2 मॉलिक्यूल, सही है। सो ये आपके पास आ गई द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये डायग्राम आपको पैरामैग्नेटिज्म भी बनाती है, बताती है, डायमैग्नेटिज्म भी बताती है और स्टेबिलिटी भी बताती है। अच्छा कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा जिसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में स्टार वालों में इलेक्ट्रॉन कम से कम हो, याद रखना, सही है। हम आगे पढ़ेंगे भी बट ये सेंटेंस आप लोगों को फिलहाल शुरुआत में दे रहा हूं कि वो मॉलिक्यूल स्टेबल होंगे जिनमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो, जिनके बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, स्टेबल मॉलिक्यूल बनेंगे। और मॉलिक्यूल बनते ही तब है जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम से कम हो। जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो फिर बॉन्ड नहीं बनते। जिस तरह यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, दो, चार, छ, आठ, दस, दस बॉन्डिंग, दस एंटी बॉन्डिंग, दस बॉन्डिंग, दस क्या रही, एंटी बॉन्डिंग। सुन ले, जहां पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए तो वहां पर बॉन्ड नहीं बना करते, ये भी याद रखना, क्लियर होगी बात। अगली बात सुने कि जहां पर इन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से आ जाए तो वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, और जहां पर जिस मॉलिक्यूल में यहां पर इलेक्ट्रॉन तमाम के तमाम पेयर्ड आ रहे हो, पेयर्ड पेयर्ड चल रहे हो, तो दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल, सही है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख दिए। अब आते हैं जरा, लड़के ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर ये तो जो आपने एनर्जी लेवल डायग्राम लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, ये तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन वाला केस हमें दिख रहा है। नो, ये जनरल है, ये जनरल है, ये वाकई में स्टेबल है। देखो भैया ये वाकई में ऐसा है कि जब सिग्मा वन एस मिलती है तो पहले सिग्मा वन एस वन एस मिलती है तो सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस बनती है, जब टू एस मिलती है तो सिग्मा टू एस स्टार बनती है, मगर जब पी एक्स पी वाई पी जेड और पी एक्स पी वाई पी जेड मिलती है तो हमें पता है कि पी एक्स की ओवरलैपिंग क्या है, ज्यादा है, उसका बॉन्ड स्टेबल होगा हमेशा, सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हम जानते हैं आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टेबल और इसका सिग्मा स्टार क्या होगा, अनस्टेबल होगा। फिर कौन है, फिर पाई है, देखिए पाई की एनर्जी ऊपर है,
इससे मुराद है पाई की एनर्जी हायर है, और जिसकी एनर्जी हायर होगी वो अनस्टेबल होगा, और हमें पता है कि पाई बॉन्ड अनस्टेबल होते हैं और सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। सही भैया, अब जो मसला आ रहा है जो हमारे सिलेबस में डिस्कस हुआ है मगर उसका रीज़न नहीं बताया गया है, उसका मैं आप लोगों को अभी डिटेल के साथ बताऊँगा कि ऑक्सीजन कौन फॉलोअर्स हैं और नाइट्रोजन के कौन फॉलोअर्स हैं। ये जो डायग्राम है ये ऑक्सीजन पर तो अप्लाई होती है मगर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जैसे मॉलिक्यूल पर ये अप्लाई नहीं होती। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ऑक्सीजन फॉलोअर है, कौन नाइट्रोजन फॉलोअर है, कौन ये डायग्राम फॉलो करेगा और कौन ये डायग्राम फॉलो नहीं करेगा, इसका थोड़ा सा चेंज आएगा, वो कैसे आएगा, उसके लिए हम भी पढ़ते हैं। थोड़े से पॉइंट्स साथ दीजिएगा, बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर ये जो डायग्राम है ये डायग्राम नाइट्रोजन पर अप्लाई नहीं होता और नाइट्रोजन पर क्यों अप्लाई नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो डायग्राम, ये जो आपने जनरल डायग्राम बनाया और ये सही डायग्राम है, ये डायग्राम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के जैसे मॉलिक्यूल इस डायग्राम को फॉलो नहीं करते हैं।